हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपेरिजन बाय अंकुश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड के हैंडसम एंड मार्शल आर्टिस्ट विद्युत जमाल के सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, साथ ही साथ जानेंगे कितना मूवी बना, कितना कमाया एंड वर्डिक्ट क्या रहा, हिट या फ्लॉप। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन मूवी आता है शक्ति, जो कि 2011 में आया था। 48 करोड़ के बजट से बन के 19 करोड़ कमाया, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा। दो नंबर पे आता है फोर्स, और ये मूवी आता है 2011 में ही। बजट रहता है 28 करोड़, कमाई करता है 40 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर एवब एवरेज रहता है। तीन नंबर पर आता है ओसरवली, और ये मूवी आता है 2011 में ही। बजट रहता है 25 करोड़, कमाई करता है 47 करोड़ 70 लाख का, बॉक्स ऑफिस पर हिट रहता है। चार नंबर पर मूवी आता है स्टैनली का ढाबा, और ये मूवी आता है 2011 में ही। बजट रहता है 5 करोड़, कमाई करता है 8 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लेता है। बात करें पाँच नंबर पर तो मूवी आता है बिल्ला 2, और ये मूवी का ईयर रहता है 2012। बजट रहता है 35 करोड़, कमाई करता है 100 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर बात करें तो सुपर हिट का टैग लेता है। तो बिल्ला 2 कौन कौन देखें कमेंट में जरूर बताएं। बात करते हैं छः नंबर पर तो मूवी आता है थपकी, और ये मूवी आता है 2012 में। बजट रहता है 70 करोड़, कमाई करता है 182 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का टैग लेता है ये मूवी। बात करें अब सात नंबर पर तो मूवी आता है बुलेट राजा, और ये मूवी आया था 2013 में। बजट था 52 करोड़, कलेक्शन किया था 40 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा था। अब बात करते हैं आठ नंबर पर तो मूवी आता है कमांडो, ये मूवी आया था 2013 में। बजट था 17 करोड़, कमाई किया 26 करोड़ 90 लाख का एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी एवरेज रहा। अब बात करते हैं नौ नंबर पर तो मूवी आता है अनजान, और ये मूवी का ईयर रहता है 2014। बजट रहता है 43 करोड़, कमाई करता है 75 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का टैग लेता है। अब बात करते हैं 10 नंबर पर मूवी आता है बादशाह, और ये मूवी आता है 2017 में। बजट रहता है 90 करोड़, कमाई करता है 123 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर बात करते हैं एवरेज का टैग लेता है। तो अब देखेंगे विद्युत जमाल का अगला, मतलब कि 11 नंबर पर कौन सा मूवी आता है। तो मूवी आता है कमांडो 2, और ये मूवी आया था 2017 में ही। बजट था 26 करोड़, कमाई किया 39 करोड़ 4 लाख का एंड बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। तो बात करते हैं 12 नंबर पर तो मूवी आता है जंगली, और ये मूवी आता है 2019 में। बजट रहता है मूवी का 22 करोड़, कलेक्शन करता है 32 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रहता है। अब बात करते हैं 13 नंबर पर तो मूवी आता है कमांडो 3, और ये मूवी आया था 2019 में। बजट था 29 करोड़, कमाई किया था 40 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा था। बात करें 14 नंबर पर तो मूवी आता है यारा, और ये मूवी आता है 2020 में। बजट रहता है 25 करोड़, कमाई करता है 32 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लेता है। अब बात करते हैं 15 नंबर पर तो मूवी आता है खुदा हाफिज, और ये मूवी भी 2020 में ही आता है। बजट रहता है 24 करोड़, कमाई करता है 63 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट का टैग लेता है। अब बात करेंगे 16 नंबर पर कौन सा मूवी आता है। तो मूवी का नाम है द पावर, और ये मूवी आता है 2021 में। बजट रहता है 30 करोड़, कमाई करता है 35 करोड़ का एंड बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग लेता है। अब बात करते हैं 17 नंबर पर तो मूवी आता है सनक, और ये मूवी का ईयर रहता है 2021। बजट रहता है 50 करोड़, कमाई करता है मात्र 28 करोड़ एंड बॉक्स ऑफिस पर महा फ्लॉप जाता है। अब बात करें 18 नंबर पर तो मूवी आता है खुदा हाफिज 2, और ये मूवी आता है 2022 में। बजट रहता है 35 करोड़, कमाई करता है 14 करोड़ 33 लाख का एंड बॉक्स ऑफिस पर ये भी फ्लॉप जाता है। ये सारा मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताया हूँ 18 मूवी का। तो अभी तक विद्युत जमाल 18 मूवी कर चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं समरी। तो टोटल मूवी का बात करते हो 18 है, उसमें से फ्लॉप मूवी दिए हैं 5। बात करते हैं एवरेज मूवीज का तो 6 मूवी दिए हैं। अब बात करते हैं हिट मूवीज का तो विद्युत जमाल का 4 मूवी हिट रहा। अब बात करेंगे आगे सुपर हिट मूवीज का तो 3 मूवी रहा विद्युत जमाल का, वहीं पर ब्लॉकबस्टर मूवी 0 दिए हैं। अब बात करते हैं सक्सेस रेशियो का तो 72% है, जो कि अच्छा है, काफ़ी मस्त है। आप लोग कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से 72% अच्छा है या ख़राब है। अब बात करते हैं अपकमिंग मूवीज़ का तो विद्युत जमाल का पहला मूवी आने वाला IB71, और ये मूवी 2023 में आएगा शुरुआत में ही। अब बात करते हैं 2 नंबर पर तो मूवी आने वाला क्रैक, ये भी 2023 में आएगा मिड में। अब बात करते हैं 3 नंबर पर तो मूवी आने वाला सिंहर सी राना, ये भी 2023 में आएगा लास्ट में। अब बात करते हैं 4 नंबर पर तो मूवी आने वाला कमांडो 4, जो कि 2024 में आएगा। तो अब देख लेते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए सबसे मस्त मूवी आप लोगों को कौन सा लगता है विद्युत जमाल का, मतलब कि आपका फेवरेट मूवी कौन सा है। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है एंड मेहनत तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो विद्युत जमाल के फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।